सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सिंध हाईकोर्ट बार के वकील रशीद ए रिजवी ने माशाल्लाह का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर जस्टिस अतहर वडुल्ला ने माजी में ना जाने का मशवरा दिया। जबकि चीफ जस्टिस ने माजी से सबक सीखने के रिमार्क्स दिए तो जस्टिस अतहर वडुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बिल्कुल जाए। मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ के मार्शाल्लाह को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के चार रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील और लाहौर हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। खुसूसी अदालत को गैर कानूनी करार देने वाले लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ हामिद खान दलाइल के लिए पेश हुए। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए, जबकि हामिद खान ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, अब हम तहरीरी मारूजात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से हारून रशीद ने दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस ने तैयारी न होने पर नागवारी का इजहार किया। सिंध हाईकोर्ट बार के वकील रशीद ए रिजवी ने दलाइल में परवेज मुशर्रफ के मार्शाल्लाह का जिक्र किया तो जस्टिस अतहर वडुल्ला ने रोकते हुए कहा कि रशीद रिजवी साहब माजी में कब तक जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे जस्टिस अतहर वडुल्ला का एहतराम है, मगर हमें अब माजी में जाना चाहिए। जस्टिस अतहर वडुल्ला ने कहा कि बिल्कुल जाएं। फिर उसी मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को भी आइन तोड़ा, असम्बलियां तोड़ी, 12 अक्टूबर के इकदाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ माशाल्लाह को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस अतहर वडुल्ला ने मजीद कहा कि कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई। 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजों पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? हमें सच बोलना चाहिए, अगर किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए, जिसने माशाल्लाह को रास्ता दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो मासी में हो चुका इसे मैं खत्म नहीं कर सकता, कौम बनना है तो मासी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है, सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताए ना कि आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हैं, जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें, मीडिया भी जिम्मेदार है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। बताएं कितने सहाफी मार्शाल्लाह के हामी, कितने खिलाफ थे, हमें तारीख से सीखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जस्टिस अतहर वडुल्ला ने कहा कि तारीख फिर ये है कि जब कोई मजबूत होता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, जब ताकतवर कमजोर पड़ जाता है उसके बाद आसमा जिलानी वाला फैसला आ जाता है। वकील रशीद रिजवी ने गैर आईनी इकदामात का जवाब पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मौकफ अपनाते हुए दलाइल मुकम्मल किए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पूछा कि विफाक ने लाहौर हाईकोर्ट की कार्रवाई पर एतराज नहीं किया, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, जिस पर हामिद खान ने बताया कि पीटीआई की हुकूमत थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, आप अपने घर से हुई गलत बात को गलत कहने खड़े हैं। जस्टिस अतहर वडुल्ला ने पूछा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने पर उस वक्त की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, जिस पर हामिद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम सजा भी बरकरार रखेंगे और सबको पेंशन और मराआत मिलती रहे, ये नहीं होगा। बाद अदालत उज़्मा ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी।